के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले रुख कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? सुनिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि जो स्थानीय लोग हैं उनको एक राहत भरी खबर मिल रही है, क्योंकि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से जो करनाल में रैली हुई थी, वहां पर जो अब तक जो सामाजिक पेंशन लोगों को दी जा रही थी वो लगभग 2750 रुपए प्रति महीना दी जा रही थी, लेकिन वो अब बढ़ाकर 1 जनवरी 2024 से 3000 रुपए कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी राहत खबर है। लोगों को कहना है कि महंगाई का दौर है, सरकार ये जो बढ़ाए लेके है तो कम, लेकिन एक हल्की सी राहत मिलती नजर आ रही है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी राहत खबर है कि जो लगातार पिछले काफी समय से पहले बहुत कम थी, लेकिन अब वो करते करते 2750 और 2750 के बाद अब 1 जनवरी 2024 से जो कि 3000 रुपए प्रति महीना जो कि अब सामाजिक पेंशन का वितरण भी किया जाएगा। वही एक खबर और बता देते हैं कि पलवल के जो बस अड्डे डिपो है उसको 20 नई बसें मिली हैं और अब तक इसमें 58 बसें इस साल मिल चुकी हैं, लेकिन चालक और परिचालक की कमी होने के कारण ये स्टैंड पे खड़ी रह जाती हैं, जिससे अन्य जो मार्ग है उन पर अभी तक पूरी तरह से इनका चलन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण लोगों को यहाँ तो राहत मिलती नजर नहीं आ रही। हालांकि एक ही साल के अंदर 58 बसें मिलना बहुत बड़ी बात है, वही पलवल डिपो की, लेकिन जहाँ स्टाफ की कमी है तो उसको पूर्ति कैसे की जाएगी, और उसके लिए बिना जो है स्टाफ के बिना तो बसें चल नहीं पाएंगी, जिसको बताया जा रहा है चालक और परिचालक की कमी है, जिसके कारण जो है बसें अभी तक स्टैंड में खड़ी है। और लोगों को ये भी कहना है कि जब तक स्टाफ पूरा नहीं होगा, चाहे कितनी बस आ जाए, उनका स्टाफ को होना जरूरी है, स्टाफ होगा तभी ये बस चल पाएंगी। लेकिन यहाँ एक दुख भरी खबर है कि लोगों को भी इस मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही। भाई फरीदाबाद विजिलेंस की बात कर लेते हैं, उन्होंने कल दोपहर को एक जो ASI तैनात थे पलवल सिटी थाने में, उन्हें 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मामला इस प्रकार है कि जो ASI है नरेश कुमार, वो एक व्यक्ति को किसी दुर्घटना के मामले में उसकी कार को निकालने के एवज में 20,000 रुपए मांगे थे, और उसी 20,000 को लेकर जब जो आरोपी थे उसने जाके जो विजिलेंस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई कि जो व्यक्ति है ये जो अधिकारी है आइए भी मुझसे पैसा मांग रहा, तो वहां उन्होंने रंगे उस पर रंग लगे नोट दिए 20,000 रुपए लेके और उसको देने के लिए कहा गया, और मौके पर वो टिप तैनाती जैसे ही उस ASI ने वो पैसा पकड़ा 20,000 रुपए, और इशारा मिलते ही मौके पर ASI को रंगे हाथों गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ ले गई है और आगे की जांच जारी है। बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण को लेकर, लगातार आज मौसम में बहुत काफी बदलाव देखा जा रहा है, चारों तरफ धुंध भी देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात है पूरी तरह से जो है जिसे कहते हैं धुआं, या यूं कहेगी पॉल्यूशन, बहुत बुरी तरह आसमान में बना हुआ है। स्थानीय लोगों को जो है बेहद परेशान है, लोगों का कहना है कि कोई ना कोई रास्ता सरकार को बनाना होगा जो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी सोनिया जी, परवीन आहूजा हमारे साथ बने रहिए, रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने को मिलेगी? सबसे पहले मैं बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री सिरसा आए हैं, तो उनके जिला सामने गए, तो वहां पर चल रहे नशा मुक्ति केंद्र में जो नशा छोड़ने आए जुटते हैं, उन्होंने नशा बिकने वालों के राज बोले थे, उसको लेकर SP सिरसा को उन्होंने फटकार भी लगाई थी, और फटकार के बाद पुलिस अलर्ट होती नजर आ रही है। कल देखने को मिला कि मुख्यमंत्री के सामने जो जिन लोगों की शिकायत हुई थी उन पर कल पुलिस गुप्तचर विभाग के द्वारा जो है रेड की गई, स्वास्थ्य विभाग उनके साथ में था, वहां पर 2 मेडिकलों को सील कर दिया गया है, उनके पास मेडिसिनली दवाइयां जरूर मिली थी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कालावाली के 6 मेडिकलों को भी सील कर दिया गया था, उनके पास भी दवाइयां मिली थी, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। कहीं ना कहीं अब सिरसा जिला पर खास फोकस होने के कारण, नशा को लेकर खास फोकस होने के कारण पुलिस काफी अलर्ट होती नजर आ रही है। मेडिकलों के साथ साथ भाई बता दूं कि डबवाली, रानिया, अलनावाद, सिरसा, रोड़ी और बड़ागुड़ा, ओडा और कालावाली थाना में कल देखने को मिला कि काफी मात्रा में जो नशा बेचने वाले जो जुड़ते या लोग जो लोग सम्मिलित थे उनके खिलाफ जो है छोटी छोटी मात्रा में जो कहीं चुरापोस्ट, कहीं अफीम, कहीं नशीली दवाइयां, तो कहीं हीरोइन, कहीं चिट्टा बरामद किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री सिरसा जिला को खास फोकस कर रहे हैं, उन्होंने
सिरसा जिला के जब सिरसा जिला में रैली करने आए थे तो उस समय माना था कि स्टेज के माध्यम से माना था कि सिरसा जिला में काफी नशा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार है अलर्ट होती नजर आ रही है। भाई अगर बात कर ले नगर परिषद सिरसा की तो नगर परिषद सिरसा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा अर्धनग्न होकर कल प्रदर्शन किया, नगर परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और आज भी जो है प्रदर्शन किया जाएगा। भाई सफाई कर्मचारियों की बात करें, सफाई कर्मचारियों कल उपायुक्त कार्यालय के उपायुक्त निवास को घेराव किया गया था तो आज उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया है कि डिप्टी सीएम के आवास के सामने जो धरना देंगे उसका घेराव करते नजर आएंगे, क्योंकि उनकी मांगे हैं कि उनका मानदेय निश्चित किया जाए और उनको जो लंबे समय से जो काम कर रहे हैं उनको पक्का करने का काम किया जाए। भैया अगर बात करें मौसम की तो मौसम में काफी बदलाव है जो देखने को मिल रहा है, पराली जो जलाई जा रही है उसको लेकर प्रदूषण जो फैल रहा है, गले में खराश और आंखों में जलन होती नजर आ रही है, जो धमाके मरीज लोग हैं उनको काफी सांस लेने में दिक्कतें हो रही है उसको लेकर अलर्ट होता नजर आ रहा है। कल देखने को मिला कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा एक बैठक की गई और बैठक करके निर्णय लिया गया कि पराली को जलाने के बजाय अगर गौशालाएं खरीदेगी तो गौशालाओं को ग्रांट दी जाएगी और पशुओं के लिए जो चारा है पराली का चारा बनाकर किसान बेचने का काम करे। इस तरह के जो मीडिया के माध्यम से किसानों को संदेश भेजा गया, कहीं ना कहीं प्रशासन जरूर अडग है लेकिन किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। किसानों का कहना है कि उनको जो 2500 रुपए एकड़ मुआवजा है जो पराली न जलाने का दिया जाए, पूरा मुआवजा भी दिया जाए, नहीं अन्यथा वो पराली जलाएंगे और उस बात को लेकर वो जलाते भी नजर आ रहे हैं। जी सोनिया जी, जगजीत प्रजापति जी हमारे साथ बने रहिए, रुक कर लेते एक बार फिर पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, लगातार पराली मामले के जलाने के मामले सामने आ रहे हैं जिसका सीधा असर प्रदूषण पर दिखाई दे रहा है और बच्चों पर ये प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, सीधा असर बच्चों पर पड़ रहा है, इस पर प्रशासन के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? सुनिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि प्रदूषण जो है वो पिछले एक सप्ताह में लगातार बढ़ोतरी में देखा जा रहा है जी। जो बच्चे हैं जो बिल्कुल हमारा साथ ये जगदीप प्रजापति भी कह रहे हैं कि गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत आ रही है और काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है जो जिन दमा की बीमारी है, अस्थमा के मरीज है या यूं के हृदय वाले मरीज है, इनके लिए तो खासकर बेहद खतरनाक है। स्थानीय जो है सीएमओ डॉक्टर नरेश गर्ग का कहना है कि ऐसे बदलते मौसम में सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखें, कहीं हो सकता है जो जैसे आयुर्वेदिक चीजें जो है वो उसका ज्यादा सेवन करें और प्रातः योग वगैरह करें और जितना हो सकता है धुएं वाली चीजों से बचकर रहे, कहीं अगर आग भी लग रही है तो वह क्षेत्रों में ना जाए कि पॉल्यूशन की वजह से दिक्कत बन रही है। पराली की बात करते हैं, पराली हालांकि कई क्षेत्रों में जल भी रही है लेकिन प्रशासन जिसे कहते हैं कि अभी उस पर ठोस कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है जी। लेकिन अगर बात करते हैं जो बीमारी ये स्तर बढ़ता चला जा रहा है, आम व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, चलते फिरते लोग खांस रहे हैं, काफी जुकाम नजला और इस तरह की चीजें बन रही है और निजी अस्पतालों में तो लगातार इन चीजों की जो है भीड़ देखी जा रही है, ओपीडी फुल जा रही है और नागरिक अस्पताल में देखते हैं वहां भी लंबी लंबी कतारें हैं, वहां भी अक्सर यही मरीज मिल रहे हैं और खांसते हुए रुमाल के साथ वहां नजर आते हैं। स्थिति काफी गंभीर है, प्रदूषण का कहीं ना कहीं सरकार को प्रशासन को मिलकर कोई ठोस कदम उठाना होगा, अन्यथा ये इसी तरह से बीमारी जो है आने वाले समय काफी विकराल रूप धारण भी कर सकती है और हम सबको बचना बेहद जरूरी है। वही स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं इसमें इस मामले में कहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी सोनिया जी, प्रवीण आहूजा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जगदीश प्रजापति जी आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।